दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही ईशान किशन के हवाले से। पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर ईशान ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों अगर आपको ईशान किशन की यह पारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखला कोलंबो के प्रिंदा स्टेडियम में खेली जा रही है। दोस्तों कल यानी 18 जुलाई को पहला ओडीआई मैच इंडिया और श्रीलंका के मैच प्रिंदा स्टेडियम में खेला गया, जिस मैच में सबसे पहले श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रीलंका की टीम ने 262 रनों का स्कोर बना लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने दोनों ही ताबड़तोड़ शुरुआत करी। दोनों की मदद से टीम इंडिया 5 ओवर के अंदर ही 50 रन के पार पहुंच गई। इसके बाद पृथ्वी शॉ ने 24 गेंदों पर 43 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे ईशान किशन। जी हां दोस्तों, ईशान किशन का यह मैच ओडीआई डेब्यू था और ईशान किशन ने अपने डेब्यू की पहली गेंद पर वो कर दिखाया जो आज तक बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज कोई भी नहीं कर सका। दोस्तों आपको बता दें कि ईशान किशन ने अपनी पहली गेंद पर धनंजय को आगे बढ़कर एक शानदार छक्का लगाया। ईशान किशन ने इस छक्के के साथ ही अपना नाम इतिहास के पन्नों पर लिखवा दिया। और दोस्तों इससे पहले किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने अपने वनडे करियर की शुरुआत छक्के से नहीं करी थी। ईशान किशन पहले ऐसे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने वनडे करियर का आगाज छक्के के साथ किया है। ईशान किशन ने इस डेब्यू मैच में एक शानदार अर्धशतक भी जमाया। दोस्तों आपको ईशान किशन की पारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन बताइए।